कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है और अब भी लोगों की मौत का सिलसिला जारी है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी को रोकने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दुनिया के वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई है। इसी बीच दुनिया के देश अब लॉकडाउन को खोल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में भी कोरोना को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए सरकार कई आर्थिक पैकेज का ऐलान भी कर चुकी है, जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। और अब धीरे ही सही, लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी पर आने भी लगी है। इसी बीच भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और सरकार की नजरें त्योहारों पर ही हैं। सरकार की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार त्योहारी सीजन में एक और बड़ा राहत पैकेज दे सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर लाया जा सके। सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में त्योहार बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और यही कारण है कि फेस्टिव सीजन में सरकार लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे देने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग खर्च कर सके। और अगर लोगों के हाथों में पैसा होगा तो लोग सामान खरीदेंगे और इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो सरकार आर्थिक पैकेज का ऐलान नवरात्र तक कर सकती है, क्योंकि नवरात्र को देश का सबसे बड़ा खरीदारी सीजन माना जाता है। केंद्र सरकार का ये पैकेज देने का मकसद सिर्फ ये है कि दिवाली तक अर्थव्यवस्था को रिकवर किया जा सके। इससे ये होगा कि कमाई कम होने की मार झेल रहे नौकरी पेशा, प्रवासी मजदूर और छोटे कारोबारियों को पैसा दिया जाएगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि इससे पहले भी केंद्र सरकार दिवाली के समय पैकेज का ऐलान करती रही है। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर साल 2017 में 27 प्रोडक्ट्स पर से जीएसटी हटाई थी। इनमें ज्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे। इसके साथ ही साथ कई इंसेंटिव का ऐलान भी किया गया था। पिछले साल फेस्टिव सीजन से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की थी। कॉरपोरेट टैक्स कटौती से कारोबारियों को 1.45 लाख करोड़ का फायदा हुआ था। शेयर बाजार को भी भरोसा है कि कोरोना से रसातल में जा चुकी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए पैकेज देना जरूरी है और अगर ये मिलता है तो शेयर बाजार भी खिलखिला सकता है। आर्थिक मामलों के जानकारों के माने तो कोरोना महामारी के बढ़ने की आशंका है। इसके साथ ही साथ चीन से तनाव के कारण भी अर्थव्यवस्था बेहाल है। इसी बीच रेटिंग एजेंसियों ने कहा था कि सरकार अगर अर्थव्यवस्था को सही दिशा देना चाहती है तो उसे एक और पैकेज देना चाहिए। फिक्की की माने तो अर्थव्यवस्था में अगर सरकार जान फूंकना चाहती है तो एक और राहत पैकेज देना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि इससे पहले मई में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। अब अगर सरकार एक और पैकेज का ऐलान करती है तो लोगों का भरोसा मजबूत होगा और अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। देखना होगा कि आखिर सरकार क्या करती है और कितने बड़े पैकेज का ऐलान करती है अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए।